नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। कर्णभारम को लेकर के विद्यार्थी का प्रश्न आया और उसने ये कहा कि सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा अच्छा टॉपिक क्या है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कर्णभारम एक एकांकी है। एकांकी का कथानक बहुत बड़ा नहीं होता है। कोई छोटी सी महत्वपूर्ण घटना जो होती है उसको लेकर के कवि एकांकी की रचना किया करता है। इसी प्रकार से महाकवि भास ने इस कर्णभारम, जो कि इसके शीर्षक में ही समाहित है कि कर्ण पे या कर्ण के सिर पे जो भार हैं उनको लेकर के ये एकांकी लिखा है। तो सबसे पहले तो जो इसका शीर्षक है वही सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन अगर हम काव्य की दृष्टि से देखें या रचना के अंदर जब हम जाते हैं तो इसमें कुछ जो सूक्ति वाक्य हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक सूक्ति वाक्य जो कर्ण युद्ध के लिए जाने के समय पे बोलता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि युद्ध भूमि में जाने वाले के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर मृत्यु होगी तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर जीत जाएंगे तो क्या होगा, तो यश की प्राप्ति होगी। तो एक ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा ही दूसरा वाक्य आता है जिस वाक्य में हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, जो हवन कर लिया जाए या जो यज्ञ कर लिया जाए, यानी जो लोगों के लिए काम कर लिया जाए और जो दान धर्म कर लिया जाए वही हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है, बाकी ये शरीर नाशवान है, ये कभी भी नष्ट हो जाया करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि कितने समय चलेगा, लेकिन जो अच्छे कार्य आप कर लेंगे वो हमेशा इस जीवन में नहीं दूसरे जीवन तक भी, परलोक में भी, इस लोक में ही नहीं, आपका साथ देने वाले हैं। ऐसा ही एक और वाक्य आता है और ये वाक्य जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये वाक्य जब शल्य ये कहता है कि इंद्र ने तुमको ठग लिया, तब कर्ण ये कहता है कि नहीं, मया शक्र वंचित, मैंने शक्र को ठग लिया है, इंद्र के द्वारा मैं नहीं ठगा गया, मेरे द्वारा इंद्र ठगा गया है। देखिए, ज्यादातर लोग शल्य की तरह से विचार करते हैं कि ग्लास आधा खाली है, जबकि यहां जो बात आई है कि ग्लास आधा खाली भले तुमको दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में ग्लास आधा भरा हुआ है। इस प्रकार से कर्ण जब ये कहता है कि नहीं, शल्य ने मुझे नहीं ठग लिया, कवच कुंडल लेकर के उसने मुझे नहीं ठग लिया, बल्कि शक्र जैसा व्यक्ति मेरे पास मांगने आया और मैंने उसकी मनोकामना पूर्ण की है, तो शक्र मेरे द्वारा ठगा गया है, नहीं कि मैं शक्र के द्वारा ठगा गया हूं। तो ये तो थी जो इसके रेफरेंस वाक्य हैं, जो इसमें आने वाली सूक्तियां हैं, ये तो थी उनकी बात और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर कर्णभारम में आप एक प्रसंग की बात करें तो शक्र जब कर्ण से ये कहता है महतीम भिक्षाम याचे, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। अगर हम प्रसंग की बात करें ये सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि ब्राह्मण के वेश में आया हुआ शक्र जब ये कहता है कि महतीम भिक्षाम याचे, मैं बड़ी भिक्षा आपसे मांग रहा हूं, तो वो ये नहीं कहता है कि वो क्या मांग रहा है। और कोई भी वस्तु बड़ी या छोटी जो है वो व्यक्ति बदलने के हिसाब से नहीं, परिस्थिति बदलने के हिसाब से बदल जाया करती है, क्योंकि जहां काम आवे सुई काह करे तलवार, जहां सुई की जरूरत हो वहां सुई महत्वपूर्ण होगी, वहां तलवार महत्वपूर्ण नहीं होगी। तो महतीम भिक्षाम याचे में जब वो कहता है कि मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए, तो ये महती यानी बड़ी भिक्षा क्या है? तब कर्ण एक के बाद एक चीज की, मैं आपको गाय दू, सोने से जिनके सिंग मड़े हुए हैं, वो कहता गाय लेके क्या करूंगा, दूध कितना पीना, इतने दूध के लिए इतनी गायें पाल के क्या करूंगा। फिर वो कहता मैं घोड़े देता हूं, तो कहता घोड़े लेके क्या करूंगा,
एक घोड़े पे बैठना, बाकी के घोड़ों का मुझे क्या करना और कितनी देर घोड़े की सवारी करनी, हाथी देने की बात करता है, जीत के पृथ्वी देने की बात करता, सोना देने की बात करता है। और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो जो प्रस्ताव रखता है, सब प्रस्ताव को ब्राह्मण के रूप में आया हुआ शक्र इंद्र जो है वो उसको ना कह देता है। लेकिन जब वो कवच कुंडल कहता है, अब आप देखिए कि कितनी स्टेज के बाद कवच कुंडल का नंबर आया है। इंद्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवच कुंडल था, ब्राह्मण की दृष्टि से गाय योग्य थी, लेकिन जब अपनी दृष्टि से देने जाता तो घोड़ा, हाथी, पृथ्वी, राज्य, धन संपत्ति, सुवर्ण, ये सारी चीजें देने की बात करता है। और फिर वो सोचता रहता है एक के बाद एक, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, तो और क्या मैं दूं जिससे कि मैं इन ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न कर पाऊं। और तब वो अंत में कवच कुंडल तक पहुंचता है। तो ये महातिम भिक्षा में याचे वाली जो बात है, ये कवच कुंडल के दान का जो प्रसंग है, ये अपनी सबसे प्रिय चीज दान में देने वाली जो बात है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। भले ही शक्र यही लेने के लिए आया था, लेकिन शक्र अपने मुंह से नहीं कह सकता है कि कर्ण मुझे कवच कुंडल दे दो। वो कर्ण के मुख से ये कहलवाता है। तो भास ने ये जो आयोजन किया है कि वो तो हर बार यही कहता, महतीम भिक्षाम याचे, इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी। और जब कर्ण कवच कुंडल तक पहुंचता है तो कवच कुंडल उनके पास से लेता है। और कवच कुंडल लेकर के जाने के बाद शक्र को मानसिक शांति नहीं है, उसको बेचैनी होती है कि ये मैंने बड़ा गलत काम कर दिया। इसलिए बाद में वो एक शक्ति भेजता है कि चलो कुछ तो कंपनसेट हो जाए, कुछ तो इसका बदला हो जाए। तो ये सबसे अच्छा प्रसंग है। बाकी तो जैसा कि मैंने कहा कि एकांकी जो होता है वो किसी एक छोटे से पर बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के लिखा जाता है, इसलिए कर्ण भारम पूरा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे कि हमारी आदत होती है, अभिज्ञान शाकुंतल के संदर्भ में जैसे कहा जाता कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रमणीय होता है, तत्र रम्या शकुंतला, नाटकों में भी सबसे रमणीय शकुंतला है, शाकुंतले भी चतुर्थ अंक, शकुंतला में भी चतुर्थ अंक सबसे उत्तम है, और तत्र श्लोक चतुष्टयम, वहाँ पे भी जो चार श्लोक हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उन चार श्लोकों में भी फिर एक श्लोक को सबसे महत्वपूर्ण गिन लिया गया, याश्यत्यद्य शकुंतली दीर्घयम। तो इस प्रकार से हमारा जो तुलनात्मक स्वभाव है वो ऐसे प्रश्न पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। धन्यवाद। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को साथ इसको शेयर कीजिए, मित्रों तक इसको पहुँचाइए। ये परीक्षा के लिए बड़ा ही उपयोगी है। धन्यवाद।